जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद मूलेंद्र पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, EWS सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट अब भी अपना सर्टिफिकेट बनवाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर पा रहे हैं और उनको जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पा रहा है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के व्हाट्सअप और फेसबुक पर वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि सभी छात्र इसका फायदा उठा सकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए इस EWS सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं और ये कहाँ से बनवाना पड़ेगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 10% आरक्षण जनरल वाले की जो कैटेगरी में आते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को दिया है। तो इसकी जो वैकेंसीज है वो अलग से रिजर्व होती हैं और उसमें आपको ये सारी EWS सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर और डेट, इशू डेट डालनी पड़ती है। तो इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं, जिससे कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा जिससे कि वो सर्टिफिकेट बनवा सकें। और चलते हैं, तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट ऑफ बी प्रोड्यूस बाई ई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है किसी भी वेबसाइट से, यानी कि किसी भी वैकेंसीज में आपको दिया गया होगा कि EWS सर्टिफिकेट का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये सर्टिफिकेट दिया होगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको अपने तहसील, आपके पास आपके जो जिला है उसमें तहसील होगी तो उस तहसील में जाना है आपको। तहसील में जाने के बाद क्या करना है, इसको और सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो मैं बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे यदि आप जनरल कैटेगरी EWS के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर डालेगा वो, और यहाँ पर आपकी डेट, जिस डे जिस दिन वो आपका सर्टिफिकेट जारी करेगा, और वैलिड ईयर आपकी यहाँ पर डल जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्म को भरकर ले जाना है ये सर्टिफिकेट नंबर। सॉरी, आप सभी को ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर लेते हैं, सर्टिफिकेट नंबर और वैलिड ईयर और डेट, ये तीनों चीज़ आपको नहीं भरनी है। क्या नहीं करना है, ये तीनों चीज़ आपको नहीं भरनी है, ये आपके जो तहसीलदार हैं वो भर के देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ क्या करना है, अपना यहाँ पर नाम डालना है, अपने माता पिता का जो भी है पुत्री उसका नाम डालना है, यानी कि अपने पिताजी का नाम डालना है सनोप, और परमानेंट एड्रेस डालना है आपको, और पोस्ट ऑफिस डालना है जो कि आपका है, और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना स्टेट डालना है और पिन कोड डालना है। खाली ये डालने के बाद आपको सिर्फ, यदि आप इस EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ये इस चार नियमों के अंतर्गत, तो आपका सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको एक अपना फ़ोटो चिपका लेना है। जैसे ही आप फोटो चिपकाएंगे फिर ये फॉर्म आपका आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, फिर आगे की कार्रवाई तहसीलदार या आपके कानूनगो साहब करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस फॉर्म को उनके पास ले जाना है, फिर आपको पटवारी से अपना पटवारी, यानी कि ये रहा, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जवाहर सिंह तहसीलदार हैं दादरी क्षेत्र के, उनकी मोहर लगी हुई है यहाँ पर, और वो ये रिपोर्ट जो है आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिपोर्ट लगी हुई है, वो इस पर रिपोर्ट लगा देंगे कि आप जो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपकी जो भूमि है इतने से 1000 वर्ग फीट से कम है और आपके पास मकान भी इतना है। तो फ्रेंड्स, वो आपकी रिपोर्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, तहसीलदार के पास जाना। तहसीलदार क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी साइन कर देंगे और अपनी मोहर लगा देंगे। उसके बाद कानूनगो साहब आपका यहाँ पर उसे प्रेषित कर देंगे, यानी कि जारी कर देंगे, और फिर उसके बाद वो आपका जो तहसीलदार जो कक्ष में जो PA बैठता है वो उसको इशू करके आज्ञा परीक्षण से, ये तहसीलदार के साइन है यहाँ पर, फिर आपको क्या करेगा, वो आपका सर्टिफिकेट नंबर और वैलिड ईयर और डेट इशू जिस दिन से जारी किया गया है वो चढ़ा करके आपको दे देगा, और इसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेगा। इससे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए उस सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इस सर्टिफिकेट 10 रुपये के स्टाम्प पर आपको स्टाम्प टिकट लगाने के बाद
ये सर्टिफिकेट बनवाना है, शपथ पत्र बोलते हैं इसे अपना, तो इस शपथ पत्र को आपको बनवा लेना है। इसमें आपके जो सारी जानकारी है वो आपको लिखवानी होगी। ये आपको 50-60 रुपये में बन जाता है, तो फ्रेंड्स किसी भी तहसील में बन जाएगा। तो यहाँ पर आप शपथ करेंगे इसके बारे में कि हम इसके अंतर्गत आते हैं, कौन से गांव से हैं, और मेरा नाम और पता सब सही है, और मेरे परिवार की जो क्षेत्र है वो 200 वर्ग फुट से अधिक या मकान नहीं है, यानी कि 1000 वर्ग फुट से कोई बड़ा फ्लैट नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। इसके परिवार मेरे आय मेरे नगर पालिका में 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है मेरे पास। ये सारे नियम आप सभी पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ने के बाद लिखवा सकते हैं। यहाँ पर अपनी वार्षिक आय लिखनी होगी, ये 64,000 रुपये है, जबकि मोदी ने उसकी आय जो रखी है वो 8 लाख रुपये रखी है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप यहाँ पर 10% आरक्षण के लिए EWS प्रमाण पत्र की अति आवश्यकता है, ये सारा लिख करके अपने उसी फॉर्म के साथ तहसीलदार को दे देंगे, और पटवारी उस पर मोहर लगा देंगे, और मोहर लगाने के बाद आपका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो मात्र एक ही दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं और ये शपथ पत्र बनवा लें। सबसे पहले आपको ये शपथ पत्र बनवाना है, और यहाँ पर आपके वो उसको अटेस्टेड कर देगा, और शपथ पत्र बनने के बाद आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है EWS वो आपका 1 से 2 दिन में बन जाएगा। तो जल्दी से अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लें। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।